स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हेम तक पर। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि जो कॉलेज की फीस थी HP यूनिवर्सिटी की, वो HP यूनिवर्सिटी द्वारा बढ़ा दी गई। इससे पहले जो फीस पड़ी थी कांग्रेस के टाइम, अब जो निर्णय ली गई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने, प्रदेश के जितने भी डिग्री कॉलेज या जो PG कॉलेज उनमें सेमेस्टर और ई अपीयर जो ईयर सिस्टम की कंपार्टमेंट थी उनकी जो फीस है वो 500 रुपये बढ़ा दी है। और 2014 की जो मोबाइलाइजेशन कमेटी थी उसकी सिफारिशों को लागू कर दी गई है। पूरी जानकारी जो है वो आपकी स्क्रीन पर। 2019-20 में जो भी एडमिशन होगी या जो भी इस प्रकार के सेमेस्टर रीअपेयर या ईयर सिस्टम की जो कंपार्टमेंट आएगी उसमें ये बढ़ोतरी आपको 500 रुपये तक चुकाने पड़ेंगे। पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर, वीडियो को रोक कर आप पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो भी है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे 800 पोस्टें भर जाएंगी HP यूनिवर्सिटी शिमला में, इसकी जानकारी हमने आपको कल दे दी थी। और जो भी निर्णय वो आपको दे दिए, और जो विद्यार्थी संगठन है, ठीक है, जो स्टूडेंट के रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके मांग है कि उसको पुरानी फीस की तरह 100 रुपये प्रति पेपर को किया जाए, परंतु अब जो विश्वविद्यालय के प्रशासन है उसके द्वारा कमेटी द्वारा ये निर्णय लिए गए। हालांकि अब क्या होता है वो पूरी जानकारी आपको दे देंगे। अगली खबर की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की जो 222 जो पोस्टें भरी गई थी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल में, तो उसमें से जो 160 जो कैंडिडेट है वो अदर स्टेट के है। इसको लेकर हिमाचल जो कैंडिडेट है, हिमाचल के अभ्यर्थी, वो भड़क गए और वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 52 जो वैकेंसी है उसमें सिर्फ वो ही हिमाचल के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए और बाकी जो है वो सारे अदर स्टेट के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, तो इसका विरोध अब हिमाचल के कैंडिडेट कर रहे हैं। और ये जो पूरी जानकारी वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है, वीडियो को आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप रोक लीजिएगा, पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे। अगली बात करेंगे, रैबिस का सस्ता इलाज खोजने वाले हिमाचल के डॉक्टर उमेश भारती को मिला पद्मश्री अवार्ड। और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार प्रदान किया। ग्रामीण परिवेश की दुष्पारियों को जानने और लोगों से गहरा जुड़ाव होने के कारण डॉक्टर उमेश भारती को आज पद्मश्री तक पहुंचे। मूल रूप से कांगड़ा के ज्वालामुखी के डॉक्टर उमेश भारती ने वर्ष 2000 में अपने पड़ोसी को रेबीज से दम तोड़ते देखा था और जिसके कारण फिर उनका ये इलाज वगैरह किया था उन्होंने, ठीक है। तो डॉक्टर उमेश भारती को पद्मश्री मिला, ठीक है, और कौन सा व्यवसाय है इनका, ये डॉक्टर है, ठीक है, और इन्होंने रेबीज का इलाज किया था, ठीक है, सस्ता, बहुत सस्ता इलाज ढूंढा था इन्होंने, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। उमेश भारती कांगड़ा के ज्वालाजी से है, ठीक है, ज्वालामुखी से है। और पूरी जानकारी अगर आप एग्जाम में कोई तो उसमें भी आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। अब अगली खबर की बात करेंगे, हिमाचल में, ठीक है, बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं चाहते तो भेजो अपने सुझाव। हिमाचल के 19.5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं और 30,000 औद्योगिक घरानों के लिए तय की जा रही नई बिजली दरों को अगर आप बढ़ोतरी नहीं चाहते तो 9 अप्रैल तक अपने सुझाव आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। राज्य विद्युत निगम नियामक आयोग साल 2019-20 के लिए बिजली दरें तय करने के लिए जनता की राय भी लेगा, ठीक है। तो जो भी लोग हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि बिजली महंगी या सस्ती है, तो वो अपने सुझाव इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो ये कमेटी तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। विद्युत नियामक आयोग जो इस तक आप अपनी कमेटी पर अपनी जो शिकायतें या आपको जो सुझाव देना चाहते हैं वो उसमें दे सकते हैं। अगली खबर की बात करेंगे, टीजी भर्ती पर लगी रोक। लोकसभा चुनाव आचार संहिता के फेर में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में TGT के पदों पर भर्ती पर ब्रेक लग गई। शिक्षा विभाग में 144 TGT के पदों पर बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया विभाग ने शुरू की थी। शिक्षा निदेशालय से राज्य के जिला प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को 15 से 31 मार्च तक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करके रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देश दिए गए थे। तो पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर, इसको आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद जो भी आपको लगते हैं वो आप कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और चुनाव खत्म होने के बाद मिलेंगे 9700 मेधावी बच्चों को लैपटॉप। हिमाचल के 9700 मेधावी विद्यार्थियों को लोकसभा के चुनाव खत्म होने के बाद लैपटॉप मिलेंगे। लैपटॉप खरीद के लिए राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन 22 मार्च को बेट खेल खोलेगी, लेकिन आचार संहिता हटाने के बाद ही टेंडर अवार्ड होंगे। 10वीं और 2 कक्षा के ये 8800 कॉलेजों के 900 विद्यार्थियों को मिलेंगे ये लैपटॉप, ठीक है। अब जो इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन के वजह से अब एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं 10th+2 के और कॉलेजों में भी हो जाएंगे। जब तक आचार संहिता ख़त्म होगी, इलेक्शन होंगे, तब तक वो फिर आपका रिजल्ट आ गए होंगे, ठीक है, आ गया होगा। जो 10th+2 में या कॉलेज में पढ़ रहे लोग, तो
अगर आपको चाहिए कि आपको भी ये लैपटॉप मिले तो आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि जब ये मिलेंगे तब तक आपका रिज़ल्ट आ चुका होगा, और अगर आप मेरिट में आ जाते तो फिर आपको लैपटॉप मिलेगा। तो 2018 में अभी विद्यार्थियों को सरकार लैपटॉप नहीं दे सकी थी। साल 2012 में धूमल सरकार के समय शुरू की गई इस योजना को चलाने और बंद करने के आशय के बीच जयराम सरकार ने पूरा साल निकाल दिया है। जनवरी 2019 में सरकार ने लैपटॉप देने का फैसला लेते हुए स्कूलों के 10,000 मेधावियों की संख्या कम करके 8,800 किया। इसमें से दोनों कक्षों में 4,400 से लेकर 4,400 मेधावी शामिल किए गए। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो साप्ताहिक खबरें थी। पूरी जानकारी के लिए आप हिम तक के इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, और वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है ताकि आपको इस प्रकार की जो भी न्यूज़ होती है वो आपको मिल सके, जॉब्स की इन्फॉर्मेशन या इस प्रकार की जो जानकारी जो आप नहीं जान पाते वो हम आपको इस चैनल के जरिए देते। तो आज के लिए इतना, नमस्कार, बने रहिएगा मेरे साथ हिम तक इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। चैनल